हे माय लवली व्यूअर्स, आज मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब हल्का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये पकोड़े के साथ या फिर आप नमकीन पूड़ी के साथ इसे खाएं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिना स्किप किए फुल वीडियो को देखें। इसके लिए मैंने इमली को आधे घंटे पहले पानी में सोख कर दिया था ताकि ये फूल जाए, और इसके गूदे में मसल मसल के निकाल रही हूँ आपसे। इसके बाद मैं इसे एक छन्नी से छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी गांठें ना बचे। ये देखिए मैंने छन्नी से छान लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक मतलब कड़पैन में थोड़े से तेल डालकर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं रोस्ट कर लूँगी, जिसमें मैंने लिया है गड़ी, किशमिश, काजू और बादाम। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक वॉलनट, पिस्ता, ये सब। अब मैंने उसी तेल में थोड़ा सा एक चम्मच के लगभग में सौंफ डाला। सौंफ डालने के बाद जो मैंने इमली का गूदा निकाला था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ऐसे मैंने बॉयल होने तक पकाया है, और इसके बाद मैं इसमें लगभग 50 से 75 ग्राम गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है, नमक आप थोड़ा ऐड करें। और इसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड की है, और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और थोड़े देर के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये चटनी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इसे मैं इमली का जो हमने चटनी बना रही हूँ उसमें हमें ऐड करना है। इससे क्या होता है कि इमली की चटनी थोड़ी थिक होती है, गाढ़ी होती है, इसका जो चटपटा फ्लेवर होता है और इमली की चटनी का वो थोड़ा गाढ़ा होने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हमें इसे ऐड करना है। और इसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चिली पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये टेक्सचर का है, अभी और ये गाढ़ा होगा, थिक बनेगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रोस्टेड धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। इन मसालों को डालने से जो होता है वो चटनी का फ्लेवर काफ़ी टेस्टी लगता है। इसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। और अब ये हमारा इमली की चटनी बनके तैयार है। इसे ठंडे करने के बाद मैंने एक बोल में सर्व किया। ये देखिए कितनी लजीज, शानदार और टेम्प्टिंग लग रही है। ये देखिए।